हेलो दोस्त, आज फिर नया रेसिपी लेके आए हैं हम। देख लीजिए, तो ये रेसिपी बनाने के लिए हम चावल ले लिए हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, जो चावल बच जाते हैं तो फेंकते नहीं है ना, फेंकना नहीं। तो चावल लप ले लीजिएगा, तो मिक्सी में दे दीजिएगा चावल लेके। तो देखिए, हम मिक्सी में दे दिए हैं और 4 ठो लहसुन के कली दे दिए हैं, 2 ठो मरचा। मरचा ज़्यादा खाना है तो दे सकते, कम खाना है तो दे सकते। फिर धनिया के पत्ता दिए हैं और यह है पुदीना। तो इसमें आओ थोड़ा सा हम पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद फिर हम पीस लेंगे। तो देखिए, पीस लिए हैं। तो ये है हमारा पीस के हम तैयार कर लिए हैं। देखिए, तो ये तो थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम दूसरा बर्तन में निकाल लिए हैं और इसमें थोड़ा हम पानी मिला देंगे। तो जैसे ज़्यादा गाढ़ा हमको नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा पानी हम मिला दे रहा है। तो देखा देर बाद और पानी की थोड़ा ज़रूरी पड़ेगा। तो इसमें तो देख लीजिए, फिर भी गाढ़ा लग रहा है। तो फिर थोड़ा हम नमक दे दिए हैं स्वाद अनुसार, और फिर थोड़ा फेट दे रहा है। तो इसमें फिर और थोड़ा सा हम पानी दे दे रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी हमको दे। तो फिर से हम मिला ले रहे हैं। तो इसी तरह से आप मिलाइए, देखिए इतना बढ़िया रेसिपी बनेगा। तो तवा ले लिए, तवा हम गरम करने दे हैं, गरम हो चुका है। थोड़ा सा तेल दी है, ज़्यादा कोई तेल नहीं, और इसमें फिर मेदार हम दे रहे हैं। तो गिराने के बाद हम इसको सही ओर से थोड़ा सा, जैसे को मोटा पतला हो जा रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको दे दे रहा है। फिर थोड़ा ढक दिए हैं। तो फिर धीमी आँच से हमको पकना है, ढकना हम उठा दिए हैं। अरे देखिए, बन के हमारा तैयार हो गया, कितना बढ़िया और इतना मस्त है बने हैं, देख लीजिए। और खाएगा तो कहेगा हाँ सही ही, तो बहुत बढ़िया चीज़ बनाया है। तो आप बच्चन के स्कूल में भी आप दे सकते हैं बना के, झटपट घर पे मेहमान आएगा तो वो झटपट आप बना के दे सकते हैं। और देखिए, बन के हमारा तैयार होगा, हम पूरा इसी तरह बना ले हैं। और देखिए कितना नरम है, कितना पतला है, खाने में इतना टेस्ट है, तो कोई भी संगारी आप खा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। घर पे ज़रूर बनाइए।